इस वीडियो में आज हम साइड बाय साइड एलजी का जो फ्रिज होता है उस पर काम करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। गैस चेंज कैसे करते हैं, उसका फ्लशिंग कैसे करते हैं, उसको कौन सा गैस होता है और काम कैसे है, उस पर एक एक करके पार्ट पार्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे ये वाला जो फ्रिज है साइड बाय साइड का, ये 500 लीटर का एलजी का फ्रिज है साइड बाय साइड। तो इस पर क्या प्रॉब्लम है वो पहले जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रिज तो चल रहा है लेकिन उस पर कूलिंग का दिक्कत है। कूलिंग का दिक्कत मतलब आइस नहीं जम रहा है और अंदर कुछ सामान रखते हैं तो ख़राब हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कैपिलरी बाहर से खड़ा हुआ है और कैपिलरी के एक फुट जैसा उस पर आइस आ गया है। बाहर से खराब हुआ है मतलब ये अंदर वाला जो ओरिजिनल कंपनी का जो कैपिलरी है वो चेंज हुआ है, उसके बाद ये बाहर से खराब हुआ है। मतलब बॉडी के यहाँ पे होल करके ये पीछे वाला जो कंडेंसर है ये भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। मतलब इसका जो इंटरनल कंडेंसर है वो कैंसिल करा हुआ है। इंटरनल कंडेंसर भी है और कंप्रेसर के पास जो मतलब पाइप वाला जो कंडेंसर है वो भी है इस पर। तो इंटरनल कंडेंसर कैंसिल होने के बाद ये बाहर वाला ऐड करने के लिए कुछ लगा हुआ है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फ़ैन भी लगा हुआ है, फ़ैन के आजू बाजू जो कचरा है उसको भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रे में जो फ़ैन लगा हुआ है उस पर नीचे पानी जमता है। ऊपर का चेंबर का पानी ट्रे में आता है तो ठंडा जो पानी होता है वो फ़ैन के मदद से कंडेंसर और कंप्रेसर दोनों को ठंडा करता है। तो इसका प्रॉब्लम अभी आ रहा है मतलब मशीन तो चल रहा है, यहाँ पे कैपिलरी में आइस आ जाता है। तो ये आइस जो फॉर्म है इस पर दो प्रॉब्लम हो सकता है। इस पर एक तो कंप्रेसर का जो प्रेशर है वो डाउन हो सकता है, दूसरा इसके अंदर सिस्टम में चोक्ट है। चोक्ट मतलब कैपिलरी पे भी चोक हो सकता है और स्ट्रेनर भी चोक हो सकता है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चारों तरफ इस पर सील करा हुआ है तो चेक करने के लिए हम लोगों को अंदर का जो गैस है उसको निकालना पड़ेगा। तो गैस नहीं निकलेगा तो उसका प्रेशर भी नहीं चेक कर सकते हैं और चोक्ड है कि नहीं वो भी पता नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडेंसर हीट हो रहा है लेकिन मतलब नॉर्मल हीट हो रहा है, जितना हीट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उस हालत पर कंप्रेसर का पंपिंग डाउन होता है तो भी ऐसा होता है और चोक्ड होता है तो भी ऐसा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अंदर का जो गैस है उसको निकाल देंगे हम लोग, कोई भी गैस हो। और कंडेंसर, दो कंडेंसर लगा हुआ है, एक नीचे का ऊपर का है। और इंटरनल जो कंडेंसर है यहाँ पे देखिए पाइप कटा हुआ है मतलब कैंसिल करा हुआ है। तो मतलब उससे हम लोगों का कैपिलरी भी यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब कोई भी करंट की वजह से ये चोक हुआ है, कुछ भी हुआ है तो उसकी वजह से ये चेंज हुआ है। तो हम लोग अभी उसको काम करेंगे, अभी जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। तो नीचे वाला जो कंडेंसर है इसके साथ इंटरनल जो कंडेंसर है वो कैंसिल होने के बाद बॉडी के ऊपर जो कंडेंसर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट हुआ है। अभी हम लोग जब तक गैस यहाँ पे चार्जिंग लाइन जो है वो उसको तोड़ दिया हूँ, तो यहाँ पे तोड़ेंगे और उसको गैस निकालेंगे। तो गैस निकालने के लिए आपको खुला जगह पर ये काम करना चाहिए क्योंकि ये जो गैस है इस पर 134 है, इस पर इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 290 है और 600 है उस पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जब भी ऐसे गैस निकालना होता है तो खुला जगह पे गैस को निकाल के फिर काम करना चाहिए। और जब भी ऐसे गैस चेंज का काम करना होता है तो खुला जगह पे करना सही रहेगा। तो हम लोग इसको नॉर्मली चार्जिंग लाइन को तोड़ के गैस निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो पानी का जो ट्रे है या पाइपलाइन है इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी जब उस पर गिरेगा तो वो फैन के माध्यम से क्या होता है, कंडेंसर जो हीट होता है उस पर थ्रो होता है। थ्रो मतलब जो बॉयलिंग होता है पानी धीरे धीरे, तो वो ठंडा जो बतास है वो कंडेंसर पे थ्रो करता है और कंप्रेसर भी ठंडा करता है, दोनों काम करता है। तो यहाँ पे जितना भी नीचे वाला सॉकेट हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे पाइप वाइप जो ज्वाइन करेंगे तो वो पिघल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ काम करने के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि आजू बाजू फैन ब्लेड है या प्लास्टिक का कोई पार्ट है उसको थोड़ा हटा के काम करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा तो मतलब भारी पड़ जाएगा, अपने को लगाने पड़ेगा, क्योंकि मशीन में वो दिक्कत तो नहीं था। तो यहाँ पे देखिए दो जगह से गैस निकलने से आपको पता लग जाएगा कि मशीन में चोक्ड है या मशीन में कंप्रेसर जो है वो पंपिंग डाउन है। एक तो चार्जिंग लाइन तोड़ देंगे सबसे पहले,
तो चार्जिंग लाइन जब गैस निकलेगा वो अंदर से, उस हालत पे हम लोग स्टेनर के पास जो एक्स्ट्रा पाइप लगा होता है सेल वैक्यूम करने के लिए, उसको भी तोड़ेंगे। अब यहाँ सवाल आता है, जिसपे एक्स्ट्रा स्टेनर के पास नहीं लगा होता है, सिंगल इन होता है सिंगल आउट होता है, उससे कैसे पता चलेगा? उससे पता करने के लिए आपको एक डिवाइस मिलता है प्लास का जैसा, आपको स्टेनर के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। आप उस डिवाइस के माध्यम से भी कर सकते हो या कोई भी चीज़ से स्टेनर के ऊपर भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेनर तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे भी इसको तोड़ दिया हूँ, तो इससे भी गैस निकल रहा है, इससे मतलब है कंडेंसर के थ्रू भी गैस बाहर आ रहा है और कैपिलरी के थ्रू होके, कैपिलरी के थ्रू मतलब मोटर सिस्टम में पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो गैस है वो आपका चार्जिंग लाइन से निकल रहा है। मतलब इस पर ज़्यादातर चोक्ड नहीं है ऐसे भी बोल सकते हैं, या कंप्रेसर में पंपिंग डाउन ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है, क्योंकि बाद में दिखाता हूँ। तो इस हालत में हम लोग चार्जिंग लाइन इसको लगा दिया हूँ इनर विवल। देखिए यहाँ पे चार्जिंग लाइन इतना बड़ा लगाया हूँ इसलिए क्योंकि ये बड़ा वाला जो फ्रिज होता है 500 लीटर या आइसक्रीम का जो फ्रिज होता है, उस पर एक दिन दो दिन तीन दिन कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो अब एनआरबी वाल्व लगाएंगे तो एनआरबी वाल्व के अंदर जो रबर होता है वो ख़राब हो जाएगा हीट की वजह से। तो इसके लिए पाइप जो थोड़ा चार्जिंग पाइप जो थोड़ा लंबा रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, और उसको पिंच कर देंगे तो सबसे वो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग सक्सेस लाइन को भी निकाल देंगे और इसको चालू करके देखेंगे। अभी पूरा गैस निकल दिया हूँ, अभी प्रेशर चेक करने का एक तरीका है, आप सक्शन लाइन पे उसका गेज लगा दो, उस तरह पता चल जाएगा। और दूसरा है आपको ऐसे ही नॉर्मल चालू करके आप पकड़ के रखेंगे तो भी पता चल जाता है। जैसे ये वाला स्टैंडर हम लोग लगाएंगे, बड़ा वाला जो 35 ग्राम का जो स्टैंडर आता है वो लगाएंगे, और पुराना वाला स्टैंडर छोटा स्टैंडर था उसको भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी पता चल गया कि मशीन का प्रॉब्लम क्या है। क्यों पता चल गया? जब भी इसको फ्लैश कर रहा हूँ अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। ऑयल सक्शन लाइन पर ऑयल आने का मतलब है वो कैपिलरी से भी स्टेनर के पास ही ऑयल आ गया है। जब स्टेनर के पास आ जाता है तो स्टेनर के अंदर जो सिलिका जल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल को, और बाद में गैस को पास नहीं करने देता है। मतलब थोड़ा अब जब चालू करेंगे थोड़ा बहुत ठंडा होगा, उसके बाद स्टेनर के अंदर मतलब जाम हो जाएगा और कैपिलरी से भी गैस थ्रो नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसका चोकिंग क्यों बोल रहा हूँ, कंप्रेसर का प्रेशर तो सही है और चोकिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जितना ज़्यादा होगा मतलब आपका चोकिंग होने का संभावना ज़्यादा होगा। इस पर दो तरीके से ऑयल आ सकता है, एक तो कंप्रेसर में सकबैक होता है, सकबैक का मतलब है जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसको थ्रो कर सकता है, मतलब इनर वाल्व जैसा होता है, गैस थ्रो होगा लेकिन इन नहीं होगा, लेकिन वो जगह पे गैस लीकेज होगा मतलब इन होगा और आउट होगा, तो उसी हिसाब से उसको सकबैक बोलते हैं। मतलब डिस्चार्ज लाइन से गैस जा भी सकता है आ भी सकता है, तो उस पर सकबैक होता है तो ऑयल चढ़ने का संभावना ज़्यादा होता है, और पाइप का ब्लॉकेज होगा तो सक्शन लाइन पे तो भी ऑयल चढ़ सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज जब थोड़ा सा जाम हो जाएगा तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके लिए सक्शन प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से पाइप के जो ऑयल है वो धीरे धीरे गैस में, गैस के साथ साथ कूलिंग कोयल की तरफ ज़्यादा जाने का संभावना होता है और चोकिंग भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम तो दूर नहीं कर सकते हैं ऑयल चढ़ने का, लेकिन कंप्लीट मशीन में सिस्टम कंप्लीट चलता है तो वो गैस के साथ साथ ऑयल भी सर्कुलेशन करता है और कंप्रेसर के आता जाता रहता है। मतलब इस ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, गैस जो गैस सर्कुलेशन होता है उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल जाता रहता है। तो हम लोग देखिए इसको फ्लैश करेंगे अभी, क्योंकि ऑयल ज़्यादा है इस टाइप का जो कंप्रेसर है ज़्यादातर चला नहीं सकते, अब एक दो बार फ्लैश कर सकते हैं कंप्रेसर खुद को चला के, बाकी आपको नाइट्रोजन से फ्लैश करना पड़ेगा आप या कोई भी गैस जो ड्राई गैस होता है उसी हिसाब से उस गैस को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 407 सबसे ड्राई होता है वो गैस भी आप यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल मिल जाएगा तो। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे R32 जो गैस है उससे फ्लैश करेंगे। देखिए कोई भी गैस ये ज़्यादातर ड्राई होता है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म पे बटला के अंदर रहता है, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन नॉर्मली एसी में गैस जो यूज़ होता है वो ड्राई टाइप का ही होता है, मतलब आप फ्लैश कर सकते हो उस पे से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे नॉर्मली इसको जब
कैपिलरी देखिए ऐसे ही फ्लैश कर रहा हूँ। तो R32 का जो प्रेशर है 260 का आसपास होता है, तो बाटला का जो उल्टा करके लिक्विड देंगे उसके अंदर, तो लिक्विड की वजह से क्या होगा, अंदर का जो ऑयल है, जैसे आप कोई केमिकल डाल के या पेट्रोल डाल के या थिनर डाल के उसके अंदर तो वॉश करते हो, उसी हिसाब से ये वॉश हो जाएगा। क्योंकि जब बाटला का अंदर जो गैस है वो आप बाटला उल्टा करके डालेंगे तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। तो इस तरह एक वॉश कर सकते हो कूलिंग कॉयल को, और दूसरा है नाइट्रोजन लगा के फ्लश कर सकते हो। जैसे देखिए फ्लश करने के बाद हम लोग नया वाला जो स्ट्रेनर है वो लगा दिया हूँ, लेकिन नया वाला स्ट्रेनर में उस पर एरो दिया हुआ रहता है कौन सा साइड लगाना चाहिए, वो देख के लगाने से सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो कूलिंग में दिक्कत आएगा। तो हम लोगों का जो एरो है वो पीछे साइड आ गया, क्योंकि डिजाइन इसका थोड़ा गलत है। तो हम लोग मतलब गलत नहीं है, डिजाइन तो सही है, तो हम लोगों का लगाने का यहाँ पे जगह मुश्किल है, तो उल्टा करके लगाया हूँ। हम लोग सक्शन भी लगा दिया हूँ अभी, मतलब सिस्टम कंप्लीट कर दिया हूँ फ्लैश करने के बाद। अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम करेंगे। अच्छे तरीके से वैक्यूम करने का मतलब आपको लॉन्ग टाइम इसको थोड़ा वैक्यूम करना पड़ेगा। जब भी ऐसे चोक मतलब कोई भी मशीन चोक होता है, मतलब एक तो उसका कंप्रेसर जो है वो डिस्चार्ज लाइन से मतलब गैस के साथ साथ आपका ऑयल भी ज़्यादा थ्रो कर रहा है। ज़्यादा थ्रो इसलिए कर रहा है, कंप्रेसर का जो हेड प्लेट है और वाल्व प्लेट है, ये दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो गया है, मतलब एयर पासिंग हो जाता है, मतलब गैस पासिंग हो जाता है, मतलब थ्रो भी कर सकता है, उधर से भी जो मशीन बंद होता है उधर से भी गैस सक्शन लाइन से तो ऐसे ही नॉर्मली चला जाता है, लेकिन डिस्चार्ज लाइन से भी गैस धीरे धीरे सिस्टम में फैलता रहता है, उसको साग बैग बोलते हैं। तो उस हिसाब से होगा, तो उससे गैस के साथ साथ ऑयल भी ज़्यादा थ्रो करेगा सिस्टम में, लेकिन उसका प्रेशर सही रहेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ जब गैस घूमेगा पूरे सिस्टम में तो ऑयल भी उसके साथ साथ सर्कुलेशन होता रहेगा। लेकिन ऑयल जाने से क्या होगा, आपका जो स्ट्रेनर है वो चोक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिलिकॉन जल है वो भीग जाता है ऑयल की वजह से, और ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं रहता है। तो हम लोग उसको वैक्यूम करने के बाद आपको गैस देंगे, वैक्यूम करने के बाद उसको 35 या 40 के आसपास नॉर्मली ऐसे गैस अंदर डाल देंगे, फिर मशीन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद 135 जो 134 जो गैस होता है R134, वो उसका बैक प्रेशर जो है आपको 10 रखना चाहिए। जैसे आप गेज को भी पता है, गेज पे आपको लिखा हो रहता है कि 134 में उसका जो सुई है घड़ी का वो कहाँ पे रखेंगे, तो आपको कितना टेम्परेचर आएगा। तो एक घड़ी के बारे में जो गेज होता है वो डिटेल्स में अलग से वीडियो बनाएंगे, कि घड़ी का जो गेज है वो गैस का जो प्रेशर है वो कहाँ पे रहेगा, तो टेम्परेचर कितना आएगा, गैस पे डिटेल से ले लिखा होता है। तो ये वीडियो वो नहीं कर पाया हूँ, तो बाद नहीं बताएंगे, तो वो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा मतलब, तो वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कंडेंसर का हीट, स्टेनर हीट और कैपिलरी के जो हीट है वो चेक करेंगे गैस देने के बाद सही होगा तो सही है, क्योंकि उस पर वजन करके गैस नहीं डाल सकते, क्योंकि सिस्टम में कंप्रेसर चेंज हुआ है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको बैक प्रेशर 10 रखेंगे, 10 रख के छोड़ देंगे, और उसका कंडेंसर का हीट, स्टेनर का हीट दोनों और कैपिलरी के हीट भी चेक करेंगे। उसके साथ साथ अंदर का कूलिंग कॉइल का जो हवा का थ्रो है तो वो भी चेक करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इस तरह आप गैस चेक करेंगे एक एक पट 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 करके, तो आपको सही से आपका मशीन कंप्लीट होगा और एक ही बारी में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर चौका हो जाता है, फिर बाद में गैस चेक